दोस्तों कैसे हो। तो आज हम आए हैं ओकिनावा के इलेक्ट्रिक शोरूम पे, जो कि हमारा नाथद्वारा काकरौली रोड पे पड़ता है, और जिसमें हम सारी डिटेल्स बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड। हर एक चीज को गौर से देखना, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, और प्लस बेल आइकन को दबाना हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए चलते हैं अंदर। आकाश जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया रोहित जी, आप बैठिए। तो सर अपन कौन कौन सी किस किस बाइक में डील कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक में? हमारे पास अभी ओकिनावा के हाई स्पीड मॉडल्स हैं, जो कि दो हैं, प्रेस प्रो और आई प्रेस प्लस। प्रेस प्रो जो है 90 किलोमीटर रेंज में आता है, आई प्रेस प्लस आता है 140 किलोमीटर रेंज के अंदर। तो अपन डिलीवरी जैसे किसी को लेनी हो तो साथ के साथ डिलीवरी कर रहे हैं टाइमिंग? अभी प्रेस प्रो तो हम एंड टू एंड डिलीवर कर रहे हैं, आई प्रेस प्लस में हम बुकिंग ले रहे हैं। तो उसमें कितना टाइमिंग, वेटिंग टाइम क्या है? आई प्रेस प्लस में 1.5 महीना। तो अभी देखते हैं अपने पास कौन कौन सी बाइक्स हैं। बिल्कुल। तो आकाश जी कौन सा मॉडल है ये अपना? ये अपना मॉडल है प्रेस प्रो। प्रेस प्रो, प्रेस प्रो जी, ये है अपना 90 किलोमीटर रेंज के अंदर। ओके। इसके अंदर तीन मोड आते हैं, इको मोड, इको मोड जो कि इसके अंदर टॉप स्पीड 45 की रहेगी, जिसकी रेंज निकलेगी आपकी 90 किलोमीटर। दूसरा मोड, एक बार चार्जिंग में यदि हम इको पे चलाते हैं तो 90 किलोमीटर चलेगी? जी 90 किलोमीटर पे चलेगी, जिसके अंदर टॉप स्पीड 45 की रहेगी। ओके। स्पोर्ट्स मोड आता है, दूसरा मोड आता है, जिसके अंदर टॉप स्पीड 58 की रहेगी आपकी, और इसके अंदर रेंज निकलेगी 70 किलोमीटर। ओके। तीसरा मोड आता है टर्बो मोड, जिसको आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये 15 सेकंड के लिए एक्टिव रहेगा। 15 सेकंड के लिए इसके अंदर टॉप स्पीड हो जाएगी 63 की। मतलब ये 15 सेकंड के लिए रहेगा सर? सिर्फ 15 सेकंड में अपने आप क्लोज, मतलब बंद हो जाएगा? हाँ, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपको ये टर्बो मोड दो ही सिचुएशन में यूज करना है, एक आपको अर्जेंट ओवरटेक करना है किसी गाड़ी से, दूसरा आपको कहीं पे आप स्लोप पे खड़े हो और आपकी गाड़ी अटक जाए और एकदम पिकअप लेना है, जैसे गाड़ी के जैसे घर के बाहर रैंप होता है जैसे, उसको ऊपर ले जाना हो, उसके ऊपर ले जाना हो। क्यों? इसका रीजन है कि आप अगर इसको एक बार यूज करोगे तो 2 किलोमीटर के आसपास आपकी रेंज गिरेगी, डाउन हो जाएगी, डाउन होगी। अब जैसे इको मोड में 90 किलोमीटर थी तो एक बार यूज किया तो 88 रह जाएगी। बिल्कुल 88 रह जाएगी, लेकिन ये एक्टिव तभी होगा तब गाड़ी आपकी स्पोर्ट्स मोड में रहेगी। अच्छा, ओनली स्पोर्ट्स मोड में होगा? गाड़ी आपकी स्पोर्ट्स मोड में होनी चाहिए तभी टर्बो मोड एक्टिव होगा। ओके। अगर आपने इको मोड में गाड़ी कर रखी है और आप टर्बो का यूज करेंगे तो आपको बटन ये काम नहीं करेगा, यूज में नहीं आएगा, मतलब बटन यूज नहीं आएगा आपको। स्पोर्ट्स मोड में होगा तभी आपका ये बटन यूज के अंदर आएगा। ओके। और इसमें और क्या फीचर मिलते हैं सर अपने को? इसमें बिल्कुल, एक तो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है इसके अंदर, अब इसमें यूएसबी आपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इसके अंदर। ओके। दूसरी चीज, इसके अंदर 1000 वॉट की मोटर है जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आती है, जिसका पीक पावर 2500 वॉट है। ओके। और जो कि व्हील ड्रिवन है। ओके। ठीक है, व्हील के अंदर लगी हुई है मोटर, मतलब इसमें जैसे आगे फ्रंट में तो अलॉय व्हील मिल रहा है पर बैक में वो व्हील के अंदर ही मोटर, व्हील के अंदर ही मोटर है। तीसरी चीज, इसके अंदर दोनों आगे और पीछे डिस्क ब्रेक है। ओके। चौथी चीज, इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है आगे की तरफ। पांचवी चीज, इसके अंदर आपको जो रियर शोकर मिलेंगे, ट्विन सस्पेंशन मिलेंगे, जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिक गाड़ी में मिल रहे हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर अभी आ रहे हैं एट प्रेजेंट। ओके। ठीक है। छठी चीज, इसके अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलेगी, आपको के पास चाबी हो या ना हो, आपके पास रिमोट होगा तो भी गाड़ी आपकी ऑन हो जाएगी। ओके। रिमोट से ही गाड़ी वापस बंद हो जाएगी। ओके। अगर आपने रिमोट से गाड़ी यूज ऑन करी है तो रिमोट से ही गाड़ी वापस बंद होगी। ओके। मतलब रिमोट चाबी से कर रहे हैं तो चाबी से ही बंद होगी? चाबी कर से आप ऑन कर रहे हो तो चाबी से ही बंद होगी, रिमोट से कर रहे हैं तो रिमोट से ही बंद होगी गाड़ी। और इसमें अपना बूट स्पेस वगैरह कितना है? इसके अंदर बूट स्पेस 7 लीटर का है। ओके। जो नॉर्मल अपने स्कूटी में 17 लीटर तक का आता है, लेकिन इसके अंदर 7 लीटर का है। बैटरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, बैटरी डिटेचेबल बैटरी है, आप बैटरी को बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं। बैटरी को इस पोर्ट से बाहर निकाला, इसके बाद आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, इसको बैटरी को बाहर निकाल के चार्ज कर सकते हैं। किसी कोई फ्लैट वगैरह में रहता है जिसको ये प्रॉब्लम है कि हमारे नीचे चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये फैसिलिटी डिटेचेबल बैटरी की दे रखी है। और एक इसमें ये MCB दे रखी है, ये MCB आपको यूज करनी है जब आपकी गाड़ी MCB ऑफ पोजीशन में रहेगी, जब आपकी बैटरी गाड़ी चार्जिंग मोड में रहेगी, मतलब आप चार्ज कर रहे हैं तो ऑफ ही रखना है MCB ऑफ ही रखना है, तो ये आपको आगे के सर्किट को प्रोटेक्ट करती है। मतलब कोई बंदे किसी की यदि ऑन रह जाती है तो दिक्कत नहीं है जब तक फॉल्ट नहीं आया।
मान लो इलेक्ट्रिसिटी में यदि कोई फॉल्ट आता है तो फिर वो इसमें स्कूटर में भी फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आएगा अगर उस सिचुएशन में जब आपकी एमसीबी ऑन पोजीशन में, ऑन पोजीशन में है। अगर आपकी एमसीबी ऑफ पोजीशन में है तो ये सर्किट एमसीबी उड़ेगी या फिर ज्यादा से ज्यादा एमसीबी ट्रिप होगी। ओके, तो आकाश जी इसकी अपनी बैटरी कैपेसिटी कितनी है? ये 72 वोल्ट 29 एएच की बैटरी है, ये 2.1 किलोवाट की बैटरी पड़ती है और इसके अंदर जो टॉप इसका ऊपर अपर मॉडल आता है आईप्रेस प्लस, उसके अंदर 72 वोल्ट 50 एएच की बैटरी आती है जो कि 3.6 किलोवाट होती है। ओके सर, तो सर अपने को इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो सारी चीजें दिख रखी है क्या क्या चीजें हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो ये स्पीडोमीटर का स्पीडोमीटर असेंबली है तो स्पीडोमीटर स्पीड शो करता है। दूसरी चीज़ ये टोटल मतलब किलोमीटर आपके कितने चल गए तो ये यहाँ पे आता है कि आपकी गाड़ी आज तक कितनी रन हो चुकी है। ये ट्रिप का मतलब हो गया, एक बार चाबी ऑन करने के बाद एक बार चाबी ऑफ करने तक आपके कितने ट्रिप किलोमीटर कितने किलोमीटर चली है गाड़ी, ये आपका मिनट शो करता है कि गाड़ी कितने मिनट चल चुकी है एक बार ट्रिप ऑन होने के बाद। ओके ठीक है, इसके बाद ये है आपको बैटरी चार्जिंग बताता है कि आपकी गाड़ी में कितनी बैटरी अवेलेबल है। ओके, अगर पहला जैसे इसके अंदर पांच बार दे रखे हैं तो इसमें जो टॉप वाला बार है वो 40% बैटरी आपको शो करता है कि आपकी मतलब 60% से 100% के बीच में बैटरी है, मतलब फर्स्ट जाता है तो इसका मतलब है 40% बैटरी खत्म हो चुकी है। दूसरा बार जाता है तो मतलब आपकी गाड़ी की 30% प्लस बैटरी और खत्म हो चुकी है, इसका मतलब आपकी दो बार ऊपर के चले गए तो 70% बैटरी आपकी जा चुकी है। ओके, तीसरा बार गया तो मतलब आपकी 15% बैटरी और चले गई, मतलब 85% आपकी बैटरी जा चुकी है, और आपकी जो चौथा बार गया इसका मतलब आपकी 10% और चले गई तो ये 95% आपकी बैटरी जा चुकी है। लास्ट बार सिर्फ आपको 5% बैटरी शो करता है जो कि उस समय गाड़ी पावर सेवर मोड में आ जाएगी, उस समय टॉप स्पीड रहेगी 25 की और 5% बैटरी आपका यूज रहेगा उसका। सर इसमें अपने को मतलब जब लेने आते हैं तो इसमें एक्सेसरीज है जो अलग से लेनी पड़ती है, इसमें मिल रही है साथ में? कंपलसरी एक्सेसरीज इसमें हमने इंक्लूड कर रखी है हमारी प्राइस वो के जो अंदर प्राइस 115 है उसमें इंक्लूडेड है? बिल्कुल नहीं, जिसके अंदर हम आपको दोनों साइड ग्लास रियर व्यू मिरर देते हैं, ओके, बीच वाली मैटिंग देते हैं, आपको सीट कवर देते हैं, चौथी चीज आपको हम फुटरेस्ट देते हैं, लेडीज फुटरेस्ट हम आपको देते हैं। इसके अलावा स्टील एक्सेसरी ऑप्शनल है, उसके आपको अलग से एडिशनल 2500 पे करने होते हैं, उसमें जो साइड की जो स्टील एक्सेसरीज होती है वो स्टील एक्सेसरी 2500 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यदि जिसको लगवानी है तो। जी बिल्कुल एक्स्ट्रा आपको लेना। ओके सर, जो अपनी ये डे रनिंग लाइट है तो ये ऑन होने पे स्टार्ट होने पे जलती है या फिर सिर्फ ऑन होने पे जलती है? गाड़ी को आप इग्निशन ऑन करोगे तब जैसे ही ये ऑन हो जाएगी, DRL ऑन हो जाएगी, उसके बाद इग्निशन बंद करा आपने उसके बाद ये 10 सेकंड तक ऑन रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, 10 सेकंड तक ऑन रहेगी, 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ओके, और इसमें अपना मतलब रिवर्स मोड भी है? रिवर्स मोड भी है इसके अंदर, अगर आपको गाड़ी को रिवर्स मोड, रिवर्स मोशन सेंसर है, रिवर्स मोड नहीं है, रिवर्स मोशन सेंसर का मतलब ये हो गया कि गाड़ी को आपने हल्का सा पीछे धक्का दिया गाड़ी पीछे जाएगी, आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना लगाते हैं आप उससे काफी 10% 20% ही लगाना पड़ेगा। ओके ओके, रिवर्स मोशन सेंसर है इसके अंदर। और ये अपना चार्जिंग सॉकेट दे रखा है? बिल्कुल, ये चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे। इसकी टाइमिंग कितना है कि इसका चार्जिंग टाइम कितना है? इसका 3 से 4 घंटे में ये चार्ज हो जाती है, 2 से 3 यूनिट बिजली कंज्यूम करती है। ओके, इससे हमारे पास एक और हायर मॉडल आता है आई प्रेस प्लस, जिसको जो की 140 किलोमीटर रेंज में आता है, उसके अंदर और इसके अंदर तीन ही चीजों का फर्क है। एक पहली चीज इसकी रेंज ज्यादा है, 140 किलोमीटर रेंज आती है, इसकी 90 किलोमीटर रेंज आती है। दूसरा उसके अंदर आपका साइड स्टैंड सेंसर आएगा, इसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर नहीं आएगा। तीसरा उसके अंदर GPS है गाड़ी के अंदर, मतलब वो पता कर सकते हैं कि कहाँ चल रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है। बाकी आपको टेक्निकल वाइज और लुक वाइज वो और गाड़ी ये गाड़ी सेम मिलेगी, मतलब देखने में अपन पता नहीं कर सकते कौन सी, मतलब साल के इंश्योरेंस के साथ, जिसमें 1 साल का फुल हो गया और 4 साल का थर्ड पार्टी हो गया, RTO ऑन रोड मिल रही है आपको 1,15,000 रुपए में। तो इसमें किसी को जैसे लोन लेना हो EMI बेस पे तो कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी? 80% फंडिंग अवेलेबल है, हमारे फाइनेंस पार्टनर है एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC, IDFC, हम किसी से भी फाइनेंस करा सकते हैं और सारे NBFC और PSU से भी हमारा टाई अप है मोटा मोटी। ओके ओके, आकाश जी अपने को वारंटी कितनी मिल रही है इसमें? सर इसके अंदर हमारे वारंटी टर्म्स ये हैं, बैटरी की वारंटी 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की है, मोटर की वारंटी जो रहेगी 3 साल 30,000 किलोमीटर की रहेगी,
चार्जर कंट्रोलर की जो वारंटी रहेगी 1 साल 10,000 किलोमीटर की रहेगी। ये तीन आइटम जो है 5,000 रुपए से ऊपर के आइटम आते हैं। ओके ओके, मतलब यदि इसको किसी का खराब हो जाता है तो उसकी जो चेंज कराने की जो कॉस्ट है वो 5,000 प्लस है। वायरिंग और शोकर की जो वारंटी बैठती है वो 6 मंथ और 5,000 किलोमीटर की बैठती है। मान लो सर एक चीज और पूछनी थी मेरे को, किसी के 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बैटरी में कोई इशू आ जाता है, उसे चेंज करानी है, तो बैटरी कॉस्ट कितनी पड़ रही है अपने को? लिथियम बैटरी अभी तो कॉस्टली हम अभी मार्केट में सप्लाई दे नहीं रहे हैं। ओके ठीक है, सबसे पहली चीज तो हम अभी मार्केट में सप्लाई नहीं, क्योंकि हमारी गाड़ी लिथियम टेक्नोलॉजी को आई हुई 2021 में आई थी। तो अभी इसको अभी हमारे पास वैसी सिचुएशन बनी नहीं है कि आपकी गाड़ी की वारंटी बैटरी हमें रिप्लेस करनी पड़े, या अभी हम वारंटी के अंदर ही रिप्लेस कर रहे हैं जितनी भी गाड़ियां हैं। तो अब जब जैसी वैसी सिचुएशन आएगी, पुरानी बैटरी किस रेट में जाती है, नई बैटरी क्या रेट में आती है, तो आगे फ्यूचर में पता फ्यूचर में पता लगेगा। और सर्विस कॉस्ट जैसे सर्विसिंग वगैरह करते हैं वो सब अपनी यही होती है? बिल्कुल, सर्विसिंग यहीं पे ही होती है। इसके अंदर एक फिक्स चार्जेस है जो हर 5,000 किलोमीटर पे आपको CDC मशीन पे बैटरी लगती है, जिसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग मशीन CDC की फुल फॉर्म होती है, जिसकी हम 350 रुपए चार्ज करते हैं। मतलब चार्जिंग कॉस्ट है वो पर 5,000 किलोमीटर पे 350 रुपए है। बाकी नॉर्मल वियर एंड टीयर पार्ट आपके टाइम के साथ जाएंगे, वो अलग बात है। ठीक है सर।